हेलो एंड वेलकम टू सुपर शिवानी चैनल एंड दिस इज द क्लास ऑफ कुकिंग फूड। अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि माइक्रोवेव के कौन कौन से मोड पर कौन कौन से बर्तनों का इस्तेमाल होता है। वैसे तो मैं इसका वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है इसको लेकर के। तो आज मैं इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपके कन्फ्यूजन और डाउट्स को क्लियर करूँगी। तो चलिए इन बर्तनों के बारे में हम समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि किन किन मोड में हमें क्या क्या इस्तेमाल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोवेव मोड की। आप इस मोड पर ग्लास, सिलिकॉन और माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक आप यूज़ कर सकते हैं। मेटल के बर्तन आप इस मोड पर बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव्स मेटल के बर्तन में पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। और दूसरे नंबर पर जो आता है हमारा ग्रिल मोड और कन्वेक्शन मोड। ज़्यादातर चीज़ें इसमें सेम होती हैं, जो आप ग्रिल में यूज़ कर सकते हैं वो कन्वेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को आपको माइंड में रखना है कि आपको इसमें क्या नहीं यूज़ करना है। तो जैसे कि मेटल और फॉयल का इस्तेमाल आप इन दोनों मोड पर, यानी कि ग्रिल और कन्वेक्शन दोनों मोड पर आप कर सकते हैं। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन मोड यानी कि ग्रिल प्लस कन्वेक्शन मोड पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। पेपर, वुड, माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक आप इन दोनों मोड पर आप नहीं यूज कर सकते हैं। और सिलिकॉन के मोल्ड्स का इस्तेमाल आप ग्रिल में नहीं कर सकते हैं, लेकिन कन्वेक्शन में आप कर सकते हैं। अगर बात करें एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स की, तो माइक्रोवेव मोड पर तो ये नहीं यूज हो सकते, लेकिन कन्वेक्शन और ग्रिल में ये बिल्कुल यूज हो सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है जो हीट को एक बराबर चारों तरफ अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करता है। इससे बहुत ही अच्छी बेकिंग होती है, इससे हमारा फूड अच्छी तरह से पक जाता है, और साथ ही इसमें ना तो इसके टूटने का डर रहता है और ना जलने का और ना ही पिघलने का डर रहता है। एल्यूमिनियम परफेक्ट केक को बेक करने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल होता है कन्वेक्शन मोड के लिए। लेकिन अगर यहीं पर बात करें माइक्रोवेव मोड पर, तो अगर आपने इस एल्यूमिनियम का यूज माइक्रोवेव मोड पर किया, तो ये ओवेंस के मैग्नेट्रॉन को कम करता है, और साथ ही माइक्रोवेव मोड पर ये स्पार्क क्रिएट करते हैं अगर आपने किसी भी मेटल का इस्तेमाल माइक्रोवेव मोड पर किया, चाहे वो एल्यूमिनियम हो या फिर स्टेनलेस स्टील हो, कोई भी। और इसके साथ ही एल्युमिनियम के बर्तनों का प्लस पॉइंट ये है कि ये हीट को क्विकली और इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और अगर इसमें स्टेनलेस स्टील की कोटिंग हो तो और भी ड्यूरेबल और रेजिस्टेंट हो जाते हैं ये। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के बारे में। स्टेनलेस स्टील की बात करें तो अगर आप हाउस होल्ड पर्पज के लिए, मेरा मतलब आप अगर इसे पिज्जा कुकीज को बेक करने में यूज कर सकते हैं, जिसमें ओवन का टेम्परेचर 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, तो आप स्टेनलेस स्टील का भी यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर अगर इससे ज्यादा है ओवन का, तो इसे आप अवॉइड करें। ज्यादा टेम्परेचर के लिए एल्यूमिनियम ही बेस्ट ऑप्शन होता है। मैंने यहाँ पर सभी वैरायटी के यूटेंसिल्स को परचेज करने के लिए बेस्ट प्राइस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, अगर आप चाहें तो आप इन्हें परचेज भी कर सकते हैं। हीट रेजिस्टेंट ग्लास का इस्तेमाल आप यहाँ पर सभी मोड में कर सकते हैं। हीट रेजिस्टेंट ग्लास के अंदर आपके बोरोसिल के यूटेंसिल्स आ जाते हैं, यानी कि आप बोरोसिल का इस्तेमाल सभी मोड में कर सकते हैं। नॉन हीट रेजिस्टेंट ग्लास का इस्तेमाल आप यहाँ पर किसी भी मोड पर नहीं कर सकते हैं, जो कि नॉन हीट रेजिस्टेंट ग्लास होती है। इसके अंदर आपकी लो क्वालिटी की क्रॉकरी आ जाती है, और आप यहाँ पर हीट रेजिस्टेंट सिरेमिक्स का भी इस्तेमाल आप सभी मोड पर यहाँ पर कर सकते हैं। और जो माइक्रोवेव से प्लास्टिक डिश होती है, उसको आप माइक्रोवेव मोड पर तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाकी किसी मोड पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और किचन पेपर का इस्तेमाल आप माइक्रोवेव मोड पर कर सकते हैं, बाकी किसी मोड पर नहीं कर सकते हैं। मेटल ट्रे की बात करें तो आप इसे माइक्रोवेव मोड और कॉम्बिनेशन में नहीं इस्तेमाल कर सकते, बाकी ग्रिल और कन्वेक्शन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर मेटल रैक के साथ भी है, और सेम चीज़ यहाँ पर एल्युमिनियम फॉयल और फॉयल कंटेनर के साथ भी है, यानी कि माइक्रोवेव मोड पर ये नहीं इस्तेमाल होंगे और कॉम्बिनेशन में भी नहीं इस्तेमाल होंगे, सिर्फ और सिर्फ ये ग्रिल और कन्वेक्शन मोड में ही इस्तेमाल हो सकते हैं। और मैंने आपको कॉम्बिनेशन के बारे में तो बता ही दिया है पहले। माइक्रोवेव के लिए सबसे ज़्यादा आइडियल यूटेंसिल्स जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट यूटेंसिल होते हैं, क्योंकि इनके आर पार माइक्रोवेव रेडिएशन, जो कि एनर्जी होती है, बड़े ही आसानी से पास होती है और फूड को बहुत ही जल्दी कुक कर देती हैं। माइक्रोवेव एनर्जी किसी भी मेटल के यूटेंसिल्स में पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, इसलिए आप माइक्रोवेव मोड पर इस मेटल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप रिसाइकिल्ड पेपर प्रोडक्ट को भी माइक्रोवेव के अंदर बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मेटल के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं जो कि स्पार्क्स या फायर क्रिएट कर सकते हैं। ये डिशेस माइक्रोवेव प्रूफ, ओवन प्रूफ, डिशवॉशर प्रूफ, फ्रीजर प्रूफ,
टेम्परेचर प्रूफ यहाँ तक कि हेल्दीएस्ट ऑप्शन होती है। ये डिशेज -40 डिग्री सेंटीग्रेड से +350 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती हैं। इसके बाद मेरे पास कुछ बोन चाइना के डिनर सेट हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि वो माइक्रोवेव सेफ है कि नहीं। ये बोन चाइना की प्लेट है जो कि माइक्रोवेव सेफ है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता करें कि माइक्रोवेव सेफ है कि नहीं। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप इसको कैसे पहचान सकते हैं। आप जिस भी बर्तन के बारे में जानना चाहते हैं, सपोज आपको इस बोल के बारे में जानना है, आप उसे पीछे पलट कर देख सकते हैं कि वो माइक्रोवेव सेफ है कि नहीं। इसके पीछे कुछ आइकन्स के साथ लिखा हुआ है कि ये माइक्रोवेव सेफ है, साथ ही ब्रेक रेजिस्टेंट है, और इसके अलावा ये डिशवॉशर सेफ भी है। तो बस आप इसी तरह से अपने यूटेंसिल्स के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। सारी प्लेटों को हम पलट कर पीछे देख लेंगे। ये छोटे छोटे स्पून हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि इनमें भी सेम वही आइकन के साथ लिखा हुआ है। इसी तरह से आप अपना कॉफ़ी मग भी पहचान सकते हैं। कुछ कंटेनर के साथ प्लास्टिक के कवर भी मिले होते हैं इस तरह के। इनको आप अपने माइक्रोवेव में ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कवर प्लास्टिक के बने होते हैं, हो सके तो इन्हें अवॉइड करें। इसके बाद मार्केट में आजकल सिलिकॉन के बेकिंग आइटम काफ़ी मिल रहे हैं, जैसे कि सिलिकॉन के मफिन कप, सिलिकॉन के केक मोल्ड, जो कि काफ़ी वैरायटी में आते हैं। आप इनमें बहुत से केक के डिज़ाइन बना सकते हैं। ये भी माइक्रोवेव सेफ, डिशवॉशर सेफ, फ्रीज़र सेफ, ओवन सेफ होते हैं। इन्हें हमें डायरेक्ट हीट पर नहीं यूज़ करना है। ये टेम्परेचर को 230 सेंटीग्रेड तक टॉलरेट कर सकते हैं। ये बाकी बेकवेयर के कंपैरिजन में कम समय लेते हैं। कुछ मेरे पास नॉर्मल क्वालिटी की क्रॉकरी है, जिन्हें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये माइक्रोवेव सेफ बिल्कुल नहीं होते हैं। अगर आप लो क्वालिटी की क्रॉकरी इस्तेमाल करेंगे तो वो क्रैक हो जाएंगी, इसलिए आपको लो क्वालिटी की क्रॉकरी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है। प्लास्टिक के बर्तन भी आप माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इनको स्किप करें, क्योंकि ये प्लास्टिक बहुत हार्मफुल होता है, जो हमारे खाने के साथ रिएक्ट कर जाता है और हमें नुकसान पहुँचाता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।